Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी 3D बॉटल आर्ट DIY जो बहुत ही सुंदर टर्न आउट हुआ. एंड ट्रस्ट मी, ये सबसे डिफिकल्ट था, काफ़ी टाइम लगा, बट जो एंड रिजल्ट था वो काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए. तो सबसे पहला बॉटल DIY के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूंगी एक वाइन बॉटल, एंड इसे पहले मैं जैसो से अच्छे से पेंट कर दूंगी. मैं टाइम एंड अगेन बहुत बार बोल चुकी हूँ, जैसो एक बहुत ही अच्छा बेस कोट की तरह अप्लाई होता है, बट जस्ट ध्यान रखें कि आप ज़्यादा कोटिंग ना करें उस कलर का, क्योंकि कभी कभार चांसेस होता है कि कलर पील ऑफ हो जाए. तो हल्के हाथ से ही इसे एक ही बेस कोट लगाइएगा. उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट प्रेसिंग पेपर, एंड ये जो डिज़ाइन है इसे मैं ट्रेस आउट करूँगी. आप चाहें तो फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा परफेक्ट होने के लिए मैं यहाँ पे ड्रेसिंग पेपर का यूज़ कर रही हूँ. एंड ये पेपर इधर उधर स्लिप ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे मास्किंग टेप से इसे सिक्योर कर दूँगी. एंड उसके बाद एक डार्क कलर पेंसिल से इसे मैं ड्रॉ कर दूँगी. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिज़ाइन है ये बहुत ही अच्छे से इस बॉटल पे बन गया है. एंड जो भी बारीकी का काम है वो मैं फ्री हैंड करूँगी. जो मेन डिज़ाइन था उसे ही मेरे को प्रेस आउट करना था. नेक्स्ट उसके बाद मैं एक्रिलिक कलर यूज़ करूँगी, एंड ये जो डिज़ाइन को अच्छे से पेंट कर दूँगी. तो यहाँ पे जो बेस पेंटिंग का काम है वो हो चुका है. नेक्स्ट इसमें 3D इफेक्ट देने के लिए मैं मोल्डेड क्ले को यूज़ करूँगी, एंड यहाँ पे रेक्सिन एंड जो हार्डनर होता है उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से मैं रोल करूँगी. थोड़ा सा हल्का पतला पतला रोल करना है, एंड जो भी वो डिज़ाइन का आउटर पार्ट है मतलब बॉर्डर है उसे फेविकॉल से स्टिक कर दूँगी. मैं पूरा उसे क्ले से नहीं चिपका रही हूँ, जस्ट मैं बॉर्डर पार्ट को करूँगी ताकि थोड़ा सा उभर के आए एंड थोड़ा सा 3D इफेक्ट लगे. तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मुझे लगा कि मैं क्ले लगाऊँ वहाँ पे मैंने लगा दिया, एंड काइंड ऑफ एक डिज़ाइन क्रिएट कर दिया है. क्ले को मैं बाद में पेंट करूँगी, पहले मैं ऑरेंज कलर से पूरे बॉटल को पेंट कर दूँगी. ऑरेंज कलर से ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से उभर के आ रहा था, एंड समहाउ ये कथकली एंड ऑरेंज कलर काफ़ी अच्छा जाता है, इसलिए मैंने ऑरेंज कलर यूज़ किया है. एंड बॉटल अच्छे से पेंट होने के बाद एंड कलर ड्राई होने के बाद जो क्ले का पार्ट है उसे मैं कलर करना स्टार्ट करूँगी. क्ले को पेंट करने के साथ साथ थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी क्रिएट कर दिया है, एंड ये थोड़ा और ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है. तो यहाँ पे मेरा बॉटल DIY रेडी हो चुका है.
एंड ये थोड़ा सा इंडियन टच बॉटल आर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मेहनत ज़रूर था बट काफ़ी एक यूनिक DIY बन के आया। आई होप आपको भी ये बॉटल आर्ट अच्छा लगा होगा। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ सेकेंड DIY। सेकेंड DIY के लिए मैंने ये बॉटल चूज़ किया है क्योंकि इसका जो फ्रंट पार्ट है थोड़ा सा फ्लैट है एंड मैं जो DIY करूँगी, जो 3D आर्ट करूँगी, ये इस पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मास्किंग टेप से एक टेम्पल डिज़ाइन जैसा बना दे रही हूँ एंड इस पर मैं दो कलर यूज़ करूँगी, तो मास्किंग टेप से ये काफ़ी ईजी हो जाता है। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने एक डिज़ाइन जैसा, टेम्पल डिज़ाइन जैसा कुछ बना दिया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे रेड एक्रेलिक कलर लूँगी एंड स्पंज ब्रश से अच्छे से डैब करते हुए कलर को पेंट कर दूँगी। स्पंज ब्रश यूज़ करने से काम थोड़ा सा आसान हो जाता है एंड कलर भी बहुत अच्छे से लग जाता है। यहाँ पर आपको जैसो अप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कलर पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर से पूरे बॉटल को पेंट कर दिया है। नेक्स्ट ये जो मास्किंग टेप है इसे मैं रिमूव कर दूंगी। देख सकते हैं कितना क्लीन काम हुआ है, थोड़ा बहुत कलर स्पिल हुआ है जो आसानी से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फ्रेश टिंट कलर यूज़ कर रही हूँ एंड ये जो बीच का पोर्शन को मैं कलर कर दूंगी। रेड एंड ये कलर काफ़ी एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट कलर हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने पेंट कर दिया है एंड कलर को ड्राई करने के लिए रख दिया है। इसी बीच यहाँ पे मैं क्ले यूज़ करूँगी एंड क्ले से कुछ फ्लावर्स बनाऊँगी। एकदम हल्के हाथ से रोल करते करते कुछ इस तरह से पॉइंटेड टिप जैसा करना है। आप आराम से धीरे धीरे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत ही ईजी है, एक फ्लावर जैसा क्रिएट हो जाएगा। मैं चिपकाने से पहले फ्लावर इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं पेंट करके डायरेक्टली उस पर पेस्ट करूँगी एंड ये जो कलर जो लगाया था मैंने फ्रेश टिंट कलर, उसके ऊपर कोई कलर चढ़े ना। तो यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर यूज़ करते हुए जो पेटल्स एंड जो बीच का बर्ड है उसे मैं पेंट कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने पेटल्स को ब्लू, पिंक एंड वाइट कलर से पेंट कर दिया है। नेक्स्ट इसे मैं बॉटल में चिपकाना स्टार्ट करूँगी एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी फेविकॉल। नीचे के पोर्शन में आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलर फैला हुआ है बट कोई बात नहीं, क्ले को चिपकाने के बाद उसे मैं टचअप कर दूँगी। एंड यहाँ पे ये जो बीच का पोर्शन है इसे थोड़ा सा और रियलिस्टिक लगने के लिए मैं यहाँ पे जो डॉटिंग टूल्स है इसे थोड़ा सा एक डॉट जैसा बना दे रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा और रियलिस्टिक लगे। फ्लावर्स को स्टिक करने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा सा और जगह खाली रह रहा है, तो यहाँ पे मैं दो और क्ले ऐड कर रही हूँ एंड इसमें कुछ लीफ बना रही हूँ एंड यहाँ पे मैं मोल्डिंग टूल आता है, क्ले मोल्डिंग टूल, उसे यूज़ कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट ये लीफ को मैं ग्रीन कलर से पेंट कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा 3D बॉटल आर्ट रेडी हो चुका है। कलर कॉम्बिनेशन एंड ये डिज़ाइन मुझे बेहद पसंद आया एंड कह सकते हैं ये मेरा सबसे फेवरेट है। अगर आपको भी अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड फॉर द लास्ट एंड फाइनल DIY मैं अगेन सेम डिज़ाइन का ही बॉटल यूज़ कर रही हूँ एंड उस पर मैं सबसे पहले जैसो अप्लाई करूँगी।
क्योंकि मेरे को एक बेस कोट चाहिए था, इसलिए इस DIY के लिए मैं जैसो अप्लाई कर रही हूँ। जैसो का एक कोट लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें फाइन लाइंस दिख रहे हैं। इसे हाइड करने के लिए आप वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं, एंड इसके लिए मैं यहाँ पे अगेन स्पंज ब्रश यूज़ कर रही हूँ। तो जब तक कलर अच्छे से ड्राई हो रहा है, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी डेकोपाज पेपर्स। ये डेकोपाज पेपर्स मैंने इसी बिक्सी से मंगवाया है, उनके वेबसाइट में बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइंस आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बुद्धा का 4 पेंटिंग्स पेपर में बन के आए हुए हैं। ये डेकोपाज पेपर्स बहुत ही ईजी होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता एंड बहुत ही सुंदर डिज़ाइंस निकल के आता है। तो यहाँ पर मैं एक डिज़ाइन को कट कर दूँगी एंड मेजरमेंट करके देख ले रही हूँ कि कितना क्या डिज़ाइन आएगा, एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे रिमूव कर दूँगी। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो रहा है। पेपर को अच्छे से स्टिक करने के लिए मैं साइड में तो कट लगा दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा एजी है, तो पेपर को स्टिक करने के लिए साइड में कट कर देंगे तो ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी मॉड पॉज ग्लू, यानी कि डेकोपाज ग्लू। पेपर को स्टिक करने के लिए हमें ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में निकाल दिया है, बट कोई बात नहीं, वैसे जब मैं उसे लगाऊंगी तो एक्स्ट्रा पार्ट निकाल दूंगी। तो यहाँ पे मैं फ़ैन ब्रश से इसे अच्छे से फैला दे रही हूँ एंड हल्के हाथ से ही पेपर को चिपका रही हूँ। पेपर को चिपकाते वक्त ये याद रखें कि कोई एयर बबल ना रह जाए, क्योंकि वो पेपर फट सकता है एंड वो फिनिशिंग अच्छे से नहीं आता है। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से पेपर को स्टिक कीजिएगा एंड पेपर अच्छे से स्टिक होने के बाद अगेन मॉड पॉज का और एक कोट इसके ऊपर लगा दें, ताकि ये पेपर है वो अच्छे से सिक्योर्ड रहे। तो हमारा पेपर यहाँ पे अच्छे से स्टिक हो चुका है। नेक्स्ट इसमें जो फिनिशिंग वर्क देंगे वो अगेन क्ले से देंगे। तो यहाँ पे मैं क्ले को इस तरह से रोल कर रही हूँ एंड जो बॉर्डर पार्ट है उसमें मैं स्टिक कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा और डिजाइन ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से कट कर दे रही हूँ। ये जो DIY है ये इंस्पायर्ड है मेरी फ्रेंड DZB चैनल खुशबू से। आई नो आप उनके फॉलोअर ज़रूर होंगे एंड उनके DIYs देखते होंगे, अगर नहीं देखे अभी जाके देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है DIYs वो शेयर करती हैं। तो ये DIY भी मैं उनसे ही इंस्पायर्ड हुई थी, बस थोड़ा सा अपना ट्विस्ट इसमें ऐड किया है। सो क्ले वर्क होने के बाद मैंने यहाँ पे पेंटिंग स्टार्ट कर दिया है। अगेन मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, पिंक के साथ थोड़ा सा ब्लैक मिक्स किया है एंड पूरे बॉटल को मैं पेंट कर दे रही हूँ। जो क्ले पार्ट है उसे भी मैं पेंट कर दी हूँ। नाउ पेंट अच्छे से ड्राई हो चुका है, इसे थोड़ा सा विंटेज एंड थोड़ा सा एजी लुक देने के लिए मैं गोल्डन कलर यूज़ करूँगी। जस्ट जो क्ले का पार्ट है उसमें थोड़ा सा हल्का सा टच दूंगी एंड जो बॉटल का नेक है वहाँ पे थोड़ा सा लगाऊंगी। तो यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक एंड विंटेज लुक वाला बॉटल दिया हुआ रेडी हो चुका है। बहुत ही कम एफर्ट लगा, डेकोपाज पेपर से काम बहुत ही इजी हो गया एंड ये DIY भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो आई होप आज का ये जो 3 DIY मैंने आपके साथ शेयर किया है आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह के बहुत सारे होम डेकोर एंड DIY कॉन्टेंट मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में भी शेयर करती हूँ, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्रेल एंड फेसबुक। सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे ये यूनिक DIYs एंड होम डेकोर को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।